भिलाई में ओनर किलिंग का बड़ा मामला सामने आया है। इस घटना से आसपास दहशत का माहौल है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। चचेरे भाई बहन का प्रेम परिजनों को इतना नागवार गुजरा कि दोनों को मार डाल दिया गया। पुलिस ने दो आरोपी को काबू कर लिया है, जिन्होंने कहा कि पहले दोनों को घर पर जहर खिलाया, फिर साक्ष्य छुपाने के लिए रातों रात शव को बोरे में भरकर गाड़ी से शिवनाथ नदी ले गए, जहां दोनों के शव पर पेट्रोल डालकर जला दिया गया। वहीं बता दें कि मामले की भनक लगते ही पुलिस प्रेमी के घर पहुंची। युवती के भाई और चाचा की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर दोनों को तत्काल हिरासत में लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों ने शव को जलाना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपी चरण कुप्पल और रामू के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। वहीं पुलिस इस मामले में दोनों से गहन पूछताछ कर रही है। सुपेला टीआई दिलीप सिसोदिया ने बताया कि घटना भिलाई के वार्ड 4 न्यू कृष्णा नगर की है। 21 साल की ऐश्वर्या और 26 साल का श्रीहरि दोनों चचेरे भाई बहन थे। 21 सितंबर को दोनों घर से भागकर चेन्नई चले गए थे। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने दोनों की गुमशुदगी दर्ज कर दी। पुलिस 7 अक्टूबर को दोनों युवक युवती को चेन्नई से लेकर वापस भिलाई लौटी, जहां एसडीएम के समक्ष पेश करके दोनों को परिवार को सौंप दिया गया। डबल मर्डर की घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस को पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि हत्या करने के बाद ऐश्वर्या और श्रीहरि के शवों को बोरे में भरा, शव जलाने के लिए करीब 2 दर्जन से ज्यादा साइकिल के टायर भी साथ ले गए। शिवनाथ नदी के जेवरा गिनियारी घाट के पास शव से भरा बोरा रखा, उसके ऊपर चारों तरफ टायर बिछा दिए, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बता दें कि ऐश्वर्या और श्रीहरि की शादी की जिद से परिजन खफा थे। दोनों के परिजनों ने गुस्से में आकर ऐश्वर्या और श्रीहरि का भी मुंडन करवा दिया। वहीं ऐश्वर्या के भाई चरण और चाचा ने मिलकर दोनों को जहर पिला दिया, इसके बाद उन्हें बिस्तर पर सुला दिया। अल सुबह दोनों का शव बोरे में भरकर ठिकाने लगाने नदी किनारे शव को साइकिल के टायर पर पेट्रोल छिड़क कर जला दिया गया। प्रेमी जोड़े के साथ अनहोनी की सूचना पुलिस को मुखबिर और पड़ोसियों से मिली, जिसके बाद सुबह एएसआई दिलीप सिंह सिसोदिया को घर भेजा, जहां चाचा और भाई की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर उन्हें थाने लाकर पूछताछ की गई। दोनों ने प्रेमी जोड़े की हत्या करने की बात कबूली है। वहीं पुलिस ने जले हुए शव को भी बरामद कर लिया है। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोने की रिपोर्ट। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।